हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इस क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हुए तो आप चैनल पर जाएँगे प्लेलिस्ट सेक्शन में, वहाँ पर प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की। वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक, तो ये लेक्चर देखने से पहले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा या आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स वाला जो चैप्टर है उसमें आप जो है ये तमाम के तमाम लेक्चर्स देख सकते हैं। ठीक है, सो आज बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट के। प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिटेल से रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल और उसका एक्सपेरिमेंट डिस्कस किया था, उसके बेसिकली आज के लेक्चर में हम लोग रिजल्ट्स देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको दोबारा से थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूँ। अब ये डायग्राम थी रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल का जो एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, ये थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको, रिमाइंड करवा देता हूँ अगेन ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अच्छा, उसने किया क्या था? उसने ये किया था कि एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया उसने। ठीक है, जो कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है लेड के बॉक्स में। अब लेड बॉक्स में हम लोग इसलिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज़ करते हैं कि इसके अंदर से निकलने वाली रेडिएशंस, ये जो लेड का बॉक्स है इससे बाहर नहीं आती। ठीक है, सो इस लेड के बॉक्स में हमने क्या कर दिया, एक छोटा सा होल कर दिया। अब यहाँ से इस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फ़ा पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं। अल्फ़ा पार्टिकल्स मैंने डिटेल से प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया था कि बेसिकली अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम जो होता है उसका न्यूक्लियस, हीलियम का जो न्यूक्लियाई होता है उनको हम लोग अल्फ़ा पार्टिकल्स बोलते हैं। ठीक है, अब हीलियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 2 और एटॉमिक मास 4 होता है, तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और उसके एक शेल में, पहला शेल एक ही शेल होता है हीलियम का, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर आप वो 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दें तो उसका वो शेल ख़त्म हो जाता है और उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स रह जाते हैं और उस पर पॉजिटिव 2 चार्ज आता है। तो यही बेसिकली क्या होते हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स होते हैं। अब अल्फ़ा पार्टिकल्स के रास्ते में उसने एक रख दी गोल्ड की फॉयल। ठीक है, गोल्ड फॉयल मीन्स के गोल्ड का बहुत बारीक सा पतला सा पेपर। ठीक है, उसके अराउंड उसने रख दी एक डिफ्लेक्शन स्क्रीन, या जिसको आप फ्लोरिसेंट स्क्रीन भी बोलते हैं, ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई होती है। ठीक है, और रास्ते में आप देख रहे हैं स्क्रीन में एक स्लिट मौजूद है, मीन्स के रास्ता मौजूद है जहाँ से बेसिकली ये अल्फ़ा पार्टिकल्स इस गोल्ड फॉयल के साथ टकराएंगे। ठीक है, हुआ क्या था, हुआ कुछ ये था कि बेसिकली यहाँ पर ये आपको गोल्ड फॉयल के एटम्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह समझें कि ये जो है ना, इस तरह से गोल्ड की फॉयल पड़ी है और यहाँ पर आप देखें कि ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये आपको ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं थ्रू गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो ये था एक्सपेरिमेंट और ये थी डायग्राम रदरफोर्ड्स के एटॉमिक मॉडल के एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, अब देख लेते हैं रिजल्ट्स। ठीक है, कि इस एक्सपेरिमेंट को करके रदरफोर्ड ने रिज़ल्ट क्या निकाला, जिसमें से पहला पॉइंट ये है कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स पास्ड थ्रू द फॉयल अनडिफ्लेक्टेड। वो कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स, तकरीबन सारे के सारे पार्टिकल्स, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं ये बगैर मुड़े, बगैर अपनी डायरेक्शन चेंज किए बिल्कुल सीधा सीधा पास हो गए गोल्ड फॉयल से। ठीक है, और आपको नज़र भी आ रहा है यहाँ पर ये एरोज लगे हुए हैं। ठीक हो गया, therefore most of the volume occupied by an atom is empty। तो ये रिज़ल्ट निकाला गया कि जो एटम का मोस्टली हिस्सा होता है वो क्या होता है, खाली होता है, स्पेस होती है। ठीक हो गया, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द डिफ्लेक्शन ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स प्रूव्ड दैट देयर इज़ ए सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इन एन एटम विच इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब देखो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कुछ पार्टिकल जो है ना, इस तरह से देखो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इससे क्या रिज़ल्ट निकला, इससे ये रिज़ल्ट निकला कि भाई एटम जो होता है उसका सेंटर पॉजिटिवली चार्ज होता है।
ठीक है, उसके सेंटर में पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है, तो इसी वजह से ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर गए। क्यों? क्योंकि देखो अल्फ़ा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। किस वजह से? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होने की वजह से। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है? रिपेल करता है। ठीक हो गया। सो इस तरह से इस सेंटर को, एटम के सेंटर को जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको न्यूक्लियस का नाम दिया गया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द कंप्लीट रीबाउंस ऑफ ए फ्यू पार्टिकल्स शो दैट द न्यूक्लियस इज़ वेरी डेंस एंड हार्ड। अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक पार्टिकल जो है आपको बिल्कुल ही पीछे की तरफ आता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो टर्म यूज़ हुई है रीबाउंस, रीबाउंस का क्या मतलब होता है? रिटर्न वेरी क्विकली, मीन्स के तेज़ी से वापस आ जाना, पीछे की तरफ आ जाना, मुड़ जाना। ठीक है, अब वो कह रहा है कि कुछ पार्टिकल जो हैं वो रीबाउंस हो गए या बाउंस बैक हो गए, ठीक है, पीछे की तरफ मुड़ गए। इससे क्या रिजल्ट निकला कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बेसिकली डेंस है। डेंस का क्या मतलब है? कंटेनिंग ए लॉट ऑफ मैटर इन ए स्मॉल प्लेस। ठीक है, अगर छोटी सी स्पेस में बहुत ज़्यादा मैटर अवेलेबल हो तो इस वजह से हम ऐसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे? डेंस सब्सटेंस बोलेंगे। सो जो एटम का न्यूक्लियस होता है वो डेंस होता है और हार्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के होने की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सिंस ए फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड इट शोज दैट द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ एन एटम। अभी हमने देखा डायग्राम में, जैसे मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे पास हो गए, बगैर डिफ्लेक्ट हुए, बगैर मुड़े। ठीक है, और बिल्कुल थोड़े से पार्टिकल मुड़ गए। ठीक है, तो इस वजह से ये रिजल्ट निकाला गया कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा है। ठीक है, और जो एटम का वॉल्यूम है, मीन्स के एटम का साइज है, वो एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ज़्यादातर स्पेस एटम की एम्प्टी है। अब वो कह रहे थे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। फिर ये भी रिजल्ट निकाला उसने कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एन एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल, ओवरऑल एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ठीक है, देयरफोर द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यही वजह है बेसिकली कि एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं एक्सेप्ट आइंस। ठीक है, आइंस की बात नहीं कर रहे हम, एक न्यूट्रल एटम की बात कर रहे हैं। न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, मीन्स के पॉजिटिव चार्जेस इक्वल होते हैं नेगेटिव चार्जेस के, तो इस वजह से एटम क्या होता है? न्यूट्रल होता है। जैसे मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये क्वेश्चन आ जाता है कि वाई एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल या वाई एन एटम इज़ न्यूट्रल। ठीक है, तो आपने इसका आंसर यही लिखना है कि एन एटम एज ए होल इज़ न्यूट्रल। न्यूट्रल मीन्स नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता। क्यों? बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ये आप आंसर लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रिजल्ट वो कह रहा है कि एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स ऑल अदर फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट लाई विद इन द न्यूक्लियस आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। इलेक्ट्रॉन के अलावा न्यूक्लियस में पाए जाने वाले पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। अब न्यू फंडामेंटल पार्टिकल्स की बात कर रहा है, बेसिकली थ्री फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं एटम के, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये तो थे रिजल्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। होपफुली आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई कन्फ्यूजन है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।